हाँ जी, तो क्या हाल चाल है। मेरा नाम है फैजल खान और आप सबका स्वागत है जियो खान यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे IIT JEE जियोलॉजी 2024 के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के बारे में। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा NATs से, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन से। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे MSQs के बारे में, और उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे MCQs के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। अब उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 21 फरवरी 21 फेब से ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट होंगे। IIT JEE, गेट, नेट, GSI सबके कोर्सेज जो हैं वो आपके 21 फरवरी से लॉन्च हो जाएंगे। तो जियो खान अकेडमी ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उस लिंक की हेल्प से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जियो खान अकेडमी के टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वो चैनल भी आप जरूर ज्वाइन करें। अब अपन बात करते हैं पेपर के सोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले NATs क्यों भाई? सबसे पहले क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग यही है ना, तो सबसे पहले इसको निपटाते हैं, उसके बाद में बाकी का। पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि एक फाई की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी मदद से? पार्टिकल की डायमीटर ग्रेन साइज दे रखी है कि ये पार्टिकल है, उसका डायमीटर ये है 0.125 mm। अब आपको मैंने सेडिमेंट्री की क्लासेस में ये बता रखा है, सेडिमेंट्री टेक्सचर का जो टॉपिक है जिसमें अपन वुडन वेंटवर्थ स्केल और फाई स्केल के बारे में बात करते हैं, और फाई स्केल को वुडन वेंटवर्थ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वुडन वेंटवर्थ को अपन फाई स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, -log(2d)। इसके नीचे भी एक डी रहता है लेकिन उसको अपन अभी कंसिडर नहीं करते हैं, डायरेक्ट डी हो जाएगा। डी की वैल्यू आपको 0.125 दे रखी है मिलीमीटर में, है ना। और अपने को यहाँ पे लॉग अगर हटाना है तो ये डी की वैल्यू 2 की पावर में चाहिए। 2 की पावर में इसको कैसे लेके आए हैं अपन? अगर अपन 2 की पावर -1 करें तो कितना आएगा? 2 की पावर -2 करें तो कितना आएगा? 2 की पावर -3 करें तो कितना आएगा? तो अपने को पता है कि भाई ये 1/2 है, ये 1/4 है और ये 1/8 है। सीधा सीधा है, 1/8 को अगर आप सॉल्व करते हो, 1/2 को सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा, 1/4 को सॉल्व करोगे तो 0.25 आएगा, 1/8 को अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आएगा? 0.125। और आपका 2 की पावर -3 इज ऑल्सो इक्वलेंट टू 0.125। यही तो है। तो 0.125 की जगह यहाँ पे d की जगह क्या लिखेंगे? 2 की पावर -3। तो यहाँ पे -log(2), 2 की पावर -3। अपने को पता है कि बेस सेम रहता है तो पावर आगे आ जाती है, तो -(-3)(log(2)(2). ये हो जाएगा 1, ये माइनस से माइनस कर कट के पॉजिटिव हो जाएगा और आंसर आपका सिंपल 3 आ जाएगा। तो 3 वुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि आप ये करके आए, और आपसे इंटीजर में पूछ रहे हैं, इंटीजर में आपका आंसर आ रहा है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक वर्टिकल सेपरेशन है, किसका? डिस्प्लेस्ड हॉरिजोंटल स्टेटम का। तो इसका अगर सिंपलेस्ट डायग्राम बनाओगे तो ये आपका हॉरिजोंटल है। आपको 10 मीटर ये रिवर्स फॉल्ट के केस में डिप स्लिप दिया हुआ है कि भाई ये 10 मीटर है, तो ये आपका 10 मीटर हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद में ये बोल रहा है कि आपको निकालना क्या है टोटल। इफ द डिप ऑफ द फॉल्ट इज 30 डिग्री, देन नेट स्लिप ऑफ द फॉल्ट कितना आएगा? तो नेट स्लिप आपका फॉल्ट का ये है एक्स, है ना। तो अगर ये 30 डिग्री एंगल दे रखा है तो इसको अपन क्या करेंगे, बना देंगे ये 30, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि साइन 30 लगाओगे तो क्या आएगा भाई, 10/x। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 10/x। x इधर चला जाएगा, 2 इधर आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। अगर सिंपल है, सिंपलेस्ट ज्योमेट्री अप्लाई करनी है और आराम से आंसर आ जाएगा आपको। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में की क्लासेज में महेंद्र सर ने पता नहीं कितने टाइम इस तरह की एक्सरसाइज करवाई होगी, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था ये। फिर इसका आंसर टोटल कितना हो जाएगा भाई? 20। तीसरा देखो, आपको ये अगेन बोल रहा है कि एक डिप्स देर डिप की वैल्यू दे रखी है नॉर्मल और ओवरटर्न्ड लिम्ब्स की। तो नॉर्मल और ओवरटर्न्ड लिम्ब्स की अगर बात करेंगे तो जैसे मान लो कि ये नॉर्मल लिम्ब है मेरी और ये ओवरटर्न्ड लिम्ब है ना। नॉर्मल लिम्ब की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को भाई? 30। और ओवरटर्न्ड की कितनी दे रखी है? 70, है ना, 70। तो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 70 - 30 = 40 डिग्री। 40 डिग्री सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह से सिंपलेस्ट तरीके से कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसका एक दूसरा मेथड और है। आपने लिम्ब बनाई भाई, है ना, और ये हॉरिजॉन्टल आपने डाला और इनको आपने एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंशन आया दोनों का, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 70 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 1 1 10, ये आपका 30, ये टोटल कितना है? 180 में से घटाना है
तो टोटल 180 में से घटाओगे तो क्या आएगा, -30 -110, ये आपका -140 हुआ, ये 180 हुआ, 180 -140 करोगे तो अगेन सीधा सीधा आंसर आपका कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के, है ना, दो तो मैंने आपको बताए हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसके, है ना, वो आपको महेंद्र सर और एक्सप्लेन कर देंगे आपकी लाइव क्लास में, अभी तो मैं आपको ये करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखो, ये आपका इतने दिनों तक वो क्या पूछता था, ऑक्टाहेड्रल एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी होगी, टेट्राहेड्रल एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछता था। अभी इसने क्या किया, मस्कोवाइट का फॉर्मूला दे दिया और यहां पे फ्लोराइड के लिए बोल रहा है कि 0.5 OH और एक्स की वैल्यू पूछ रहा है भाई, है ना। इस पूरे फॉर्मूले से अपने को कोई मतलब ही नहीं है, अपने को पता है कि माइका ग्रुप ऑफ मिनरल्स में जो फॉर्मूला लगता है उसमें OH का होल ट्वाइस आता है, मतलब OH की टोटल कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब यहां पे इस OH को रिप्लेस किया या सब्स्टिट्यूट किया है फ्लोराइड ने, कितने फ्लोराइड ने, 0.5 ने, तो यहां पे फ्लोराइड प्लस OH मिलकर के टोटल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। तो OH माइनस की वैल्यू आ जाएगी इजीली 2 - 0.5, तो ये आ गया 1.50। आपसे आंसर पूछा है राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक पूछा है, तो भाई क्या करोगे, 1.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी इजी सा था। फिर आपसे पूछा है एटम परसेंट, ये एकदम अलग चीज पूछी है, अलग चीज इन द सेंस कि अभी तक अपन निकालते थे मोल परसेंटेज निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, वेट परसेंटेज निकाल लिया, है ना, ये सारी चीजें अपन करते थे, मोलर प्रोपोर्शन निकाल लिया, है ना। लेकिन इसमें सीधा सीधा इसने क्या पूछा है, एटम परसेंट पूछा है। एटम परसेंट आपका पिरोटाइट दे रखा है, पिरोटाइट में इन्होंने बोला है कि आयरन जो 0.77 है और इसके अंदर सल्फर भी है, और पूछ रहा है कि भाई बताओ कि आयरन का एटम परसेंट इसके अंदर कितना होगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो एटम ऑफ आयरन इसमें कितना दे रखा है, एटम ऑफ आयरन कितना दे रखा है भाई, 0.77। एटम ऑफ सल्फर कितना दे रखा है, 1। टोटल कितने एटम है, टोटल एटम कितने है भाई, 1 + 0.77, दैट इज योर 1.77। इस 1.77 में आयरन के एटॉमिक परसेंटेज कितना है, तो सिंपल है 0.77 डिवाइडेड बाय टोटल, तो आयरन का एटम दे रखा 0.77, टोटल अपने पास में 1.77, तो आयरन का एटम परसेंट आ जाएगा FeS के अंदर। सॉल्व कर लो, परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इसके लिए मैं सिंपल सा कैलकुलेटर ले लेता हूँ भाई, कैलकुलेटर से लेकर के कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना, कैलकुलेटर। तो 0.77 डिवाइडेड बाई 1.77, देख सकते हो कितना आ रहा है, 0.4350 आ रहा है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 43.50 आ जाएगा, सिंपल। राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल के लिए बोल रहा है तो 43.50 आंसर आ जाएगा, आसान है। चलो इस तरह के क्वेश्चन यार अपन ने मिनरोलॉजी में कितने किए हैं, कितने किए हैं, 100 क्वेश्चन तो मैंने कम से कम मैंने खुद प्रैक्टिस करवाए होंगे आपको, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको देखते ही गोली मारनी थी, आई होप कि तुमने मारी भी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे यूनिवेरिएंट मेटामॉर्फिक रिएक्शन दे रखी है, यह आपको एल्बाइड जो किस में टूट रहा है, जेडीएट प्लस क्वार्ज में। ये कब टूटता है, जब हाई प्रेशर ब्लू सिस्ट फेसिस में होता है, कि जब आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एल्बाइड जो है वो ब्रेकडाउन दे करके क्या बनाता है, जेडीएट प्लस क्वार्ज बनाता है भाई। और ये अपन बोलते हैं कि ये रिएक्शन होती कहाँ पे, आइसोग्रेड पे, और आइसोग्रेड पे जब रिएक्शन अपन करते हैं तो अपन बोलते हैं कि यूनिवेरिएंट है। और यूनिवेरिएंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिनरोलॉजिकल फेज रूल में अपन बोलते हैं कि अगर नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ कंपोनेंट से ज़्यादा है तो वो रिएक्शन इस तरह से कंज्यूम करेगा कि आपका फेज कंज्यूम होकर के नंबर ऑफ कंपोनेंट के इक्वल आपके नंबर ऑफ फेज हो जाए एटलीस्ट। ये अपन ने मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में सीख रखा है पूरा का पूरा, है ना। तो यहाँ पे मिनरोलॉजिकल फेज रूल अप्लाई करेंगे, P+F = C+2। यहाँ पे फेज कितने दे रखे हैं, एक अल्बाइट है, एक जेडिएट है, एक क्वार्ट्ज है, तो टोटल 3 फेज हो गए। यूनिवेरिएंट दे रखा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे C+2 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अगर ये मिनरोलॉजिकल फेज रूल से आप नहीं भी कर पाते तब भी आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो विद हेल्प ऑफ गिब्स फेज रूल, है ना। कैसे, वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट चाहिए अपने को सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। सिस्टम में अपने पास में कौन कौन है, एल्बाइट है, जेडीएट है, क्वार्ट्ज है। एल्बाइट का फॉर्मूला क्या होता है, NaAlSi3O8। जेडीएट का फॉर्मूला क्या होता है, NaAlSi2O6। क्वार्ट्ज का क्या होता है, SiO2। तो अगर जेडीएट के अंदर 1 मोल ऑफ क्वार्ट्ज अगर ऐड कर दूं तो वो क्या बनाएगा, एल्बाइट। तो ये 2 स्पीसीज है
इन दोनों स्पीशीज की मदद से अपन सारे के सारे फेजेस को डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम को, है ना। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि एक जेडीएट का केमिकल स्पीशीज और एक अपना क्वार्ट्ज का केमिकल स्पीशीज, इन दोनों की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे भी आपके कंपोनेंट कितने आएंगे, दो ही आएंगे। तो चाहे आप इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आंसर तो सेम ही आना है भाई लाडले, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि मेन फ्लो ऑफ वाटर इन ओपन चैनल जिसकी एवरेज डेप्थ कितनी है भाई, डी की वैल्यू कितनी है, 0.2 मीटर। फ्लोर नंबर दे रखा है, फ्लोर नंबर दे रखा है ऑलरेडी 4। आपसे पूछा गया है मेन वेलोसिटी बोल पूछ रहा है, तो वी की वैल्यू पूछ रहा है, जी की वैल्यू देनी होनी चाहिए फिर इसको। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड में आएगी। तो आपका फ्लोर नंबर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इनर्शियल वेलोसिटी अपॉन ग्रेविटेशनल वेलोसिटी का रेशियो होता है, है ना। तो यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है, फ्लोर नंबर दिया हुआ है, तो 4 इक्वल्स टू v अपॉन रूट जी डी। जी की वैल्यू 9.8 दे रखी है, d की वैल्यू 0.2 दे रखी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दुनी 16, 9 दुनी 18 और 1 19, 1.96 आएगा। ये 14 का अंडर रूट है तो 1.4 आ जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूले में है 4 इक्वल्स टू v अपॉन 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी भाई, क्या क्या आएगा, 4 4 16 सलाह, 1 4 1 4 और 1 5, 5.6। तो 5.6 वुड बी योर करेक्ट आंसर, है ना। राउंड ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस के लिए बोला है तो 5.6 आपका सही आंसर हो जाएगा, अदरवाइज 5.60 भी बोल सकते थे। अगर 2 के लिए बोलता तो 5.60 हो जाता, 3 के लिए बोलता तो 5.600 हो जाता, 4 के लिए बोलता तो ऐसे चलता जाता वो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक एक्यूफर है, उस एक्यूफर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर में, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के की वैल्यू दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब देखो यहाँ पे मीटर दे रखा है और यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, तो अपने को यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा या मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपको आंसर किस यूनिट में पूछा है, ठीक है। आंसर यहाँ ध्यान से देखो तो सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है और बोल रहा है कि राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्यू इक्वल टू के ए डी एच अपॉन डी एल। क्या आपने को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू दे रखी है, दे रखी है। डी एच अपॉन डी एल की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.04। आपने को पता है कि भाई ये यूनिटलेस नंबर होता है, डायमेंशनलेस नंबर होता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। ये मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, 10^4। तो आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, के की वैल्यू दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 0.04, यही है। सॉल्व करोगे इसको तो 25 चौक 100, तो भाई मल्टीप्लाई कर लो क्या क्या आ रहा है, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.04, यह आया 0.01। यहाँ पे अपने पास में कितनी है भाई पावर, 5 पावर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5, तो ये 1000 आया, 1000। और ये आपका 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऊपर आपका सेकंड, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। ये डार्सी लो भी बोलता है कि आपका डिस्चार्ज हो क्या रहता है, पर यूनिट टाइम में कितना होता है, वही बात करता है। तो यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड अपना आंसर आ गया। इन्होंने पहले से वो पूछा है कि पर सेकंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल फ्लो पर सेकंड, तो पर सेकंड यहाँ लिख दिया इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहा है ना। इसके लिए कन्फ्यूज नहीं होना है कि सेकंड कहाँ गायब हो गया, उसने लैंग्वेज में पहले ही लिख दिया है कि भाई पर सेकंड में मेरे को डिस्चार्ज चाहिए, कितना वॉल्यूम निकलेगा, तो इतना वॉल्यूम जो पर यूनिट में निकलेगा। अब अपने पास में डेसिमल तो आ ही नहीं रहे, है ना, लेकिन ये बोल रहे हैं कि राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस लाना है और है नहीं। तो मैंने क्लास में तुमको बताया था कि क्या करोगे, 0 लगा दो, तो 3 डेसिमल पूछ रहा है तो 0 0 0, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ईजी था तो एग्जामिनर ये तो चाहेगा ना कि गलत करो, तुम सही कैसे कर लोगे, गलत करो। तो जो बंदा इस चीज पे ध्यान नहीं देगा वो क्या करेगा, 1000 लिख के आएगा इसका आंसर कि भाई डेसिमल आ ही नहीं रहा तो मैं लिखूं कहां से, फिर भी लिखना तो पड़ेगा ना, बोला है भाई उन्होंने, है ना। तो बोला है तो भाई 1000.000 ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जियोथर्मल ग्रेडियंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर कितना है, 0.02 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, पर मीटर में दिया। मैंने बोला भी था आपको कि बहुत ध्यान से पढ़ना है भाई, यूनिट कन्वर्जन में ही खेलेगा, एनएटीएच में और कोई लेना देनी है नहीं जेम में, वो यूनिट कन्वर्जन में ही खेलता है ना। तो यहाँ पे आपको देखो कि भाई 0.02 डिग्री सेल्सियस पर मीटर आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट है। आपको बोल रहा है कि आप सरफेस पे खड़े हो, इस सरफेस पे आपको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर महसूस हो रहा है, तो बताओ कि डेप्थ में 18 किलोमीटर जब तुम नीचे चले जाओगे तो इस 18 किलोमीटर की डेप्थ पे टेम्परेचर क्या होगा। कहाँ से पूछा है, फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस पूछा, तो 25 वाला ऐड करना पड़ेगा भाई अपने को, है ना। 18 किलोमीटर में जब नीचे जाओगे तो आपका टेम्परेचर कितना होगा, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अपने को पहले ये तो कोई बताए कि 1 किलोमीटर अगर नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। 1 किलोमीटर का पता चल गया तो 18 का निकाल लेंगे, 1800 का निकाल लेंगे, 18000 का निकाल लेंगे। 18000 का तो कहाँ से निकाल लोगे, मेन रेडियस ही अपनी 6000 के आसपास है, 6351 के आसपास, ऐसा सही तो है, एग्जैक्टली देख लेना भाई वो नंबर। तो यहाँ पे मीटर जो है इसको किलोमीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 10^-3, तो 0.02 डिग्री सेल्सियस पर 10^-3 किलोमीटर। ये 10^-3 ऊपर जाएगा तो 0.02 × 10^3 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर आ जाएगा भाई, है ना। तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की डेप्थ में अगर आप जाओगे तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो 18 किलोमीटर जाओगे तो क्या होगा भाई, 20 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 20 × 18, है ना, कितना आ गया भाई, 360, 18 × 36 डिग्री सेल्सियस, और सरफेस पे कितना है, 25, तो इसको ऐड कर दो 25 को, टोटल कितना हो जाएगा, 385, तो 385 वुड बी योर आंसर। आंसर आपको इंटीजर में पूछा है, आंसर हमारा इंटीजर में ही आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाक से। ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर ब्लॉक, एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है उसका एरिया इन्होंने दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, 1500 मीटर स्क्वायर, और इसकी थिकनेस दे रखी है, और बॉडी की जो थिकनेस है 3 कॉर्नर्स, तो ये मान लो 5 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये 7 मीटर है। तो आपके भाई तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, तो उसकी वजह से जो अपन ने एरिया निकालते, तो अगर एरिया नहीं दिया रहता तो एरिया कैसे निकालते, हीरो के फॉर्मूले से निकाल लेते, है ना, एस की वैल्यू निकालते, एस इंटू ए माइनस बी, ऐसे ऐसे करके अंडर रूट लेकर के, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है वो, है ना। लेकिन एरिया दे रखा है तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने को निकालना है कि इस और बॉडी के अंदर टोटल माल कितना है, टोटल कितना रिजर्व है भाई, टन्स में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, टन्स में पूछ रहा है, और डेंसिटी की वैल्यू क्या दे रखी है, टन पर मीटर क्यूब दे रखी है। अगर, और अपने को पता है कि भाई अगर टनेज निकालना तो अपन क्या करेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए अपन करें क्या, ट्रायंगुलर की तीनों साइड दे रखी है तो एवरेज थिकनेस निकालनी पड़ेगी भाई अपने को। एवरेज थिकनेस निकालने के लिए अपन सिंपल क्या करते हैं, तीनों साइड्स को ऐड करते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 + 5 + 6/3, 6 × 7 = 12, 12 × 6 = 18, 18 × 3 = 18, तो आपके 6 मीटर आ गई एवरेज थिकनेस। वॉल्यूम निकालना है तो एवरेज थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया, तो एरिया आपको दे रखा है 1500 मीटर स्क्वायर, एवरेज थिकनेस मेरी आ गई 6 मीटर, तो ये आ गया 15 × 90 और 9000 ही आएगा मीटर क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम आ गया, है ना। वॉल्यूम को अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा टन्स आ जाएगा, टनेज आ जाएगा, तो 9000 × ये आपकी यूनिट क्या होगी भाई इसकी, मीटर क्यूब इंटू डेंसिटी की वैल्यू क्या दे रखी है, 2.5 टन पर मीटर क्यूब, तो ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा भाई लाडले, ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया और कटा, तो ये आपका कितना है 2.5 और ये 9000, तो 25 × 900 कर दें, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 × 225, 25 × 225, मतलब आप मेरे को तो हिंदी में पहाड़े याद है भाई, तुमको इंग्लिश में याद हो तो तुम उस हिसाब से कर लो, है ना, काहे को रिस्क लेने का जब कैलकुलेटर है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो 22500 आ रहा है, ये लिखा हुआ भी है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 22500 टन्स,
ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। और रिजर्व कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, अपन ने तो क्या क्या न्यूमेरिकल किए थे, है ना। मुझे एनएटी इस साल के इजी है, कंपेरेटिवली काफ़ी इजी है। लास्ट ईयर के तो एनएटी ने हालत ख़राब कर दी थी, याद है तुमको, तो कैसे याद होगा, जो लास्ट ईयर दिए होंगे उन्हीं को पता होगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आपके आउट ऑफ सिलेबस है। ये क्वेश्चन जियोकेमिस्ट्री का है, पार्टीशन कोएफिशिएंट। जियोकेमिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है। अगर मार्क्स टू ऑल आता है इसमें तो एक अलग बात है, नहीं भी आता है तो अपन ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, है ना, कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। मेरे को अगर सिलेबस अपडेट हुआ और मेरी नज़र में नहीं है तो एक बात अलग है, लेकिन मैं सिलेबस दोबारा देखूंगा वापस आईआईटी जैम का। अगर उसके अंदर जियोकेमिस्ट्री का ये नहीं है तो फिर अपन ये एक ऑब्जेक्शन तो इस बात का ही लेंगे आंसर की में, चाहे भले आंसर कुछ भी आए कि भाई ये आपका आउट ऑफ द सिलेबस है, क्या पता मान जाए, है ना। नहीं माने तो इसका फॉर्मूला सीधा है, पार्टीशन कोएफिशिएंट को अपन केडी बोलते हैं, केडी इक्वल टू सीएस अपॉन सीएल होता है। ये सीएस जो होता है इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू द सॉलिड, सीएल जो होती है उसको अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू द मेल्ट, ठीक है। और केडी को अपन बोलते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे पार्टीशन कोएफिशिएंट की तो वैल्यू दे रखी है भाई आपको 2 दे रखी है, तो केडी की वैल्यू दे रखी है 1.2 नहीं दे रखी भाई 1.2 दे रखी है। और CS की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू दी सॉलिड, सॉलिड यहाँ पे कौन है, क्लाइनोपाइरोक्सिन, तो क्लाइनोपाइरोक्सिन में कितनी वैल्यू दे रखी है 24 ppm। और पूछा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ समेरियम इन द बेसाल्टिक मैग्मा विल बी, मतलब Cl की वैल्यू पूछी है ppm में, ppm में ये दे रखी है, इसकी Kd की कोई यूनिट नहीं होती है, तो सीधा सीधा आप क्या करो भाई 1.2 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई Cl, Cl इक्वल टू 24 अपॉन 1.2, ये 0 12 12 2 24, तो ये टोटल 20। आंसर आपको इंटीजर में पूछा है तो 20 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल, लेकिन यार ये हम गेट में पढ़ाते हैं, जेम का ये पार्ट नहीं है। अगर ये इन्होंने दे दिया है तो सिलेबस को मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा। अगर ये सिलेबस में नहीं है तो बढ़िया सा नोट मैं तुमको बना के दूंगा कि सिलेबस में नहीं था तुमने दिया कैसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन था ये बहुत आसान। अब मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि इतना सब कुछ पढ़ाया ही था, तो पार्टीशन कोएफिशिएंट एक पढ़ा ही देते, है ना, बट कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। चल लिथोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहा है, तो ये तो अपन ने कितना ही इसको प्रैक्टिस किया है भाई, लिथोस्टैटिक प्रेशर के कितने न्यूमेरिकल अपन ने सोल्व करें। पी इक्वल टू रो जी एस फॉर्मूला होता है, रो डेंसिटी होती है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, एच आपकी टोटल डेप्थ होती है। टोटल डेप्थ आपको 36.5 किलोमीटर दे रखी है, किलोमीटर को अपन बदलेंगे मीटर में, तो बदल दो 36.5, ये आपका मीटर हो गया 36,500 मीटर। मैंने 1000 से सीधा मल्टीप्लाई करके डेसिमल पॉइंट हटा दिया, ठीक है। जी की वैल्यू आपको दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी की वैल्यू आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे रखी है, तो इसको बदलने की कोई ज़रूरत है नहीं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पास्कल ही आएगा भाई, मल्टीप्लाई कर दो 36,500 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2800। इसमें तो कैलकुलेटर लगेगा भाई, कितने ही पाड़े याद हो, 36,500 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2800, यह आ गया। और अपने को गीगा पास्कल में चाहिए, गीगा पास्कल का मतलब है 10^9 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दो 10^9 से, 5, 6, 7, 8, 9, तो जब गीगा पास्कल में इसको बदलेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.00156। तो आपका पूछ रहा है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर का मतलब ये है कि भाई अगर यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसका आंसर, तो 1 GPa आएगा। अगर ये मान लो कि 1.98 होता, लेट सपोज ये 1.98 होता और नियरेस्ट इंटीजर के लिए बात कर रहे होते, तो 9 को अपन क्या करते भाई, राउंड ऑफ कर देते और ये 2 में चला जाता। अगर ये 1.43 होता तब भी ये 1 ही होता, तो पॉइंट के बाद में ये जो वैल्यू है ये 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका नेक्स्ट इंटीजर आएगा, अदरवाइज वो जो पहला है वही इंटीजर रहेगा। तो यहाँ पे 1.00156 आया, तो नियरेस्ट इंटीजर इसके लिए क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो पहला ही नंबर वो 0 है, इसके बाद दूसरा वाला भी 0 है, तो राउंड ऑफ करेंगे तब भी 1 ही आएगा,
ठीक है इंटीजर में, इसलिए इसका आंसर 1 गीगापास्कल है। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो भाई, आपको पूछ रहा है कि सोडियम एटम दे रखा है 11, 24 और 5 आवर के बाद में कितना बचेगा। मान लो कि 5 आवर से पहले इसकी कंसंट्रेशन पी नॉट थी और 5 आवर के बाद में इसकी कंसंट्रेशन पी हो जाएगी, है ना। तो इस तरह के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें अपन बोलते हैं ना कि एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद में कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, तो पी इक्वल टू पी नॉट अपॉन 2 की पावर n का फॉर्मूला अपन सीधा सीधा यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी में। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालना पड़ेगा, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए अपने एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल टाइम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई 1 हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ 1 हाफ लाइफ, है ना, ये फॉर्मूला है भाई अपना। इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखेंगे तो टोटल टाइम कितना दे रखा है 5 आवर और टी हाफ कितना दे रखा है 15 आवर, आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका कितना आएगा एन की वैल्यू 1/3 आएगी। तो यहाँ पे पी नॉट अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n में 1/3 रखेंगे तो यहाँ पे भाई सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से इसको, बड़ा आसान सा है, इसमें कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। 2 की पावर अपने को यूज़ करनी है 1/3, कितना आ रहा है भाई, पहले तो 1/3 ही सॉल्व कर लेते हैं, 0.3333, ठीक है, और 2 की पावर में 0.333 करेंगे तो ये आएगा 1.2596। कितना आ रहा है भाई 2 की पावर 1/3, ये कितना आ रहा है 1.2596, ठीक है। तो अब पी नोट अपॉन 1.2596 अगर ये आ रहा है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो P को तो मैं ऐसे कर लूं और इंटू 1/3 ऐसा कर दे। तो अब अगर इस वैल्यू से 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 1.25 कितना आ रहे 96, तो ये आ रहा 0.79390 0.79390, ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपको पूरा राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो ये वैल्यू आई 0.79390 और आपको बोल रहा है कि राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेस करना है। तो इसमें अब दो चीजें हैं, या तो तुम क्या करो 0.793 ही लिख के आओ, है ना, और राउंड ऑफ करना है 3 तक, तो इससे आगे वाला जो है वो 4 में बदल सकता है, तो इसको अपन 0.794 भी कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट तो 0.793 ही है, बट इसको अगर आपने 0.794 भी किया है तब भी ये आंसर सही है, है ना। तो आंसर की में मेरे ख्याल से ये दोनों आंसर आपको देने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी करके आए हो तो बेनिफिट ऑफ डाउट ले लो कि आपका ये सही है, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी में तो अपन ने कैसे कैसे क्वेश्चन किए हैं भाई, सेकुलर इक्विलिब्रियम जैसे कंसेप्ट के अपन ने क्वेश्चन किए हुए हैं, है ना, तो ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब देखो भाई आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, द थिकनेस ऑफ डिपिंग कॉल बेड मेजर्ड अलोंग ए वर्टिकल ड्रिल होल इज 15 मीटर, इफ द डिप ऑफ द कॉल बेड इज 30 डिग्री, द ऑर्थोगोनल थिकनेस, ऑर्थोगोनल थिकनेस पूछ रहा है भाई। तो एक हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ये आपका कॉल सेम मान लो, और इसमें आपका ड्रिल होल ये मान लो 15 मीटर है ड्रिल होल, और आपको ऑर्थोगोनल थिकनेस निकालनी है तो ऑर्थोगोनल थिकनेस के लिए एक वर्टिकल डाल दिया, और आपका एंगल कितना दे रखा है भाई 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा होगा तो ये 60 60, और आपको निकालनी ये वैल्यू है ना ऑर्थोगोनल थिकनेस, तो आप सीधा साइन लगा दो भाई, है ना। तो साइन लगाओगे तो क्या आएगा भाई, x/50 = sin 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 3/2 होती है, 3/2, तो यहाँ पे अपन 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले तो 3 की वैल्यू कितनी होती है यार, 1.7 ऐसे कुछ होती है ना, अंडर रूट 3, अरे अरे रुको रुको, वन पॉइंट सेवन थ्री टू जीरो मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से,
15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया 25.98, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आया 12.990, 12.990। और आपसे क्या पूछ रहा है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। अब देखो ये 99 आया ना, इससे जस्ट पहले वाला किया तो 1.00 करके आया था, इसलिए नियरेस्ट इंटीजर अपन ने 1 लिया था। यहाँ पे 12.990 आया, तब अपन नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 13। तो 13 वुड बी योर करेक्ट आंसर। कितना आसान है, ऑर्थोगोनल थिकनेस के कंसेप्ट आपको स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की पहली दूसरी क्लास में डिस्कस किया जाते हैं, और इतने सारे इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ में कि ये क्वेश्चन तो देखते आपके मुंह पे एक स्माइल आनी चाहिए कि अरे वाह। अभी तक जितने भी एनएटी अपन ने सॉल्व किए हैं, सिर्फ एक पार्टीशन कोफिशिएंट को छोड़ दें तो उसके अलावा सारे के सारे आपके नोट्स में से हैं। एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं है, सारे के सारे आपके नोट्स में से है ना। अब इसके बाद भी अगर तुम गलत करके आए हो तो भाई फिर तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ यार, है ना। चल ये क्वेश्चन मिनरोलॉजी का, फिर से ये क्वेश्चन देखते भी तुम्हारे मुंह पे स्माइल आई होगी कि फोस्टेराइट का मोल फ्रैक्शन पूछा है, आराम से हो जाएगा। अब देखो फोस्टेराइट इन ओलिविन, अगर मान लो कि अगर मेरे को इस तरह का फॉर्मूला दिया होता है MgFeSiO4 और पूछता कि इसमें बताओ फोस्टेराइट का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो अपन क्या करते हैं भाई, इसमें MgO का एक मोल है, FeO का एक मोल है, ओलिविन के अंदर फोस्टेराइट का अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeO, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ MgO प्लस FeO, तो यहाँ पे MgO का मोल कितना है, 1, MgO FeO का मोल कितना है, 1, तो ये 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5। तो अगर फॉर्मूला दिया रहता तो ये कैलकुलेट करने में तो कोई तकलीफ होती ही नहीं, लेकिन यहाँ तो फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है अपने को। अपने को क्या दे रखा है भाई, अपने को दे रखा है वेट परसेंटेज। क्या दिया हुआ है, वेट परसेंटेज किसका, MgO का, FeO का, SiO2 का। SiO2 के वेट परसेंटेज से अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फोस्टेराइट का अगर मोल परसेंटेज निकालना है या फ्रैक्शन निकालना है तो मेरे को FeO और MgO के नंबर ऑफ मोल्स ही है, मेरे को सिर्फ उससे मतलब है। तो MgO का आपको कितना दे रखा है, 29.17 वेट परसेंट, FeO का कितना दे रखा है, 34.65। अब याद करो भाई, वेट परसेंटेज दिया हो, मॉलिकुलर वेट दिया हो, तो क्या अपन नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते। कितने क्वेश्चन किए मैं इस चीज के ऊपर कि वेट परसेंटेज दे रखा है, मॉलिकुलर वेट दे रखा है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, कितनी बार निकाला है, कितनी बार, एक बार भी नहीं, कितनी बार, है ना। सैकड़ों क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस करे हुए हैं। तो यहाँ पे वेट परसेंटेज डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट, ये आपको क्या देता है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, वेट परसेंटेज कितना दे रहा है, 20, MgO का निकालेंगे सबसे पहले, MgO के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 29.17 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट MgO का दे रखा है यहाँ पे 40.31। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 29.17 डिवाइडेड बाई 40.31, आइए आ गया भैया अपने पास में 0.7236, ठीक है। ऐसे FeO का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, कितना दे रखा है FeO, 34.65, मॉलिकुलर वेट दे रखा है 71.85, तो 34.65 डिवाइडेड बाय 71.85, तो ये आया FeO का आया मोल नंबर ऑफ मोल्स 0.482254, चलो 0.4822 के तक ले लो, 4 डेसिमल तक बहुत है कैलकुलेशन, ठीक है। अब आपके पास में नंबर ऑफ मोल MgO के, नंबर ऑफ मोल FeO हैं, और निकाल लो वेट पर मोल परसेंटेज निकाल लो, क्या करो दोनों को ऐड कर दो भाई, 0.4822 प्लस 0.7236, यह आया 1.2058। इसको और इसको अपन ने ऐड कर दिया, टोटल मोल्स आ गए, और इसमें मेरे को निकालना है MgO का, MgO मतलब फोस्टेराइड बोला है, फोस्टेराइड मतलब क्या होता है, Mg2SiO4 भाई, है ना। अब 0.7236 डिवाइडेड बाई 1.2
058 ये आया आपका, अरे ये कितना आ रहा है, 0.60009 ये आया भाई। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखो, परसेंटेज पूछा है कि फ्रैक्शन पूछा है। आपको यहां पे बोला है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ फॉस्टराइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ फॉस्टराइट पूछा है, तो ये जो आया यही आपका आंसर है। कितना डेसिमल तक पूछा, राउंड ऑफ टू टू डेसिमल प्लेस, तो 0.60 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर परसेंटेज में पूछा होता तो ये 60% हो जाता, 60 के आगे ये 0.09 और आ जाता, 0.00 और आ जाता भाई, 60.00 आ जाता। समझ में आया, बड़ा आसान क्वेश्चन था। आपको मॉलिकुलर वेट दे रखा है, वेट परसेंटेज दे रखा है, दोनों की मदद से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। ओलिविन को बनाने के लिए फॉस्टराइट फाइलाइट दोनों लगता है, तो फॉस्टराइट का मोल फ्रैक्शन उस ओलिविन में कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ ओलिविन, है ना, मतलब MgO प्लस FeO, कर दिया, सॉल्यूशन आ गया, है ना, एकदम आसान। चलो ये है आपके हाइड्रोलॉजी का, ये भी आपके न्यूमेरिकल कराए हुए हैं, है ना। इवन वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द सेचुरेशन जोन, है ना, इसी न्यूमेरिकल में। आपसे क्या पूछा है भाई, पोरोसिटी पूछी है, द पोरोसिटी ऑफ द सैंपल। पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे आपको टोटल वॉल्यूम तो दे रखा है, वी भी दे रखी है, कितना 1200 cc। द वॉल्यूम ऑफ द वॉटर प्रेजेंट इन द सैंपल, वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है 300 cc। मास ऑफ सॉलिड इन द सैंपल, कोई सैंपल है उसके अंदर जो सॉलिड्स है उसका मास कितना दे रखा है भाई, ms कर देते हैं इसको, 1908 ग्राम। और पार्टिकल्स की डेंसिटी रो s जो दे रखी है वो तुमको दे रखा है 2.65 ग्राम बाई cc। तो पोरोसिटी निकालो। अब पोरोसिटी निकालने के लिए अपने को चाहिए vv अपॉन vb चाहिए भाई, है ना, पोरोसिटी के लिए। तो वी वी निकालना पड़ेगा, वी वी अपने पास में है नहीं, तो वी वी कैसे निकालेंगे भाई। तो ये जो दो डेटा दे रखे हैं, इन दोनों डेटा की मदद से अपन क्या कर सकते हैं भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम निकालना है सॉलिड्स का, तो मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे। मास दे रखा है 1908 ग्राम डिवाइडेड बाई 2.65 ग्राम बाई cc। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सीसी ऊपर चला जाएगा, 2.65। इसके लिए तो कैलकुलेटर लगेगा भाई, लाडले इतनी गणित तो मेरी तेज है भी नहीं। 1908 डिवाइडेड बाय 2.65 ये आया 720। तो वी एस आ गया 720। अब सोच के देखो भाई, वी भी दे रखा है 1200 cc, अपन ने वी एस निकाल लिया 720 cc, तो वी बी माइनस वी एस करेंगे तो ये वॉल्यूम किसका आएगा, वी वी का वर्ड्स ऑफ रेशियो, वर्ड्स ऑफ रेशियो क्या, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप करोगे 1200 माइनस 720 तो 480 आ जाएगा भाई। ये 480 सीसी आया किसका, वी वी का, तो वी वी आ गया, तो वी वी अपॉन वी वी करेंगे तो पोरोसिटी भी आ जाएगी भाई। तो 480 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाइड बाय कितना करोगे, कितना करोगे 100, अरे 100 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटा 1248, ये कटा 40%, सीधा सीधा आ जाएगा। अरे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौ 48, 12 पंजे 60, 12 छिकाणी 72, ये ऐसे ही तो है, 1784, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120, आ गया 40%। चलो तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, इट द आंसर वुड बी 40, ठीक है। हाँ, अब यह है कि डिफॉर्मेशन हुआ है, एक रॉक एलिमेंट का डिफॉर्मेशन हुआ है। डिफॉर्मेशन में ये बोल रहा है कि चेंज इन प्रेशर, एक्सपीरियंस्ड ए प्रेशर चेंज ऑफ 5×10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेंज इन स्ट्रेस हो गया भाई कितना, 5×10⁴, ड्यू टू विच इट्स वॉल्यूम चेंज फ्रॉम 4 cm³ टू 3.9 cm³। तो डेल्टा वी कितना आ गया, 4 − 3.9 cm³, ये कितना हो गया भाई, 0.1 डेल्टा वी आ गया। वी कितना दे रखा है तुमको, 4 cm³। चेंज इन स्ट्रेस कितना दिया है, 5. तो आपका सिंपल बल्क मॉडुलस ही तो पूछा है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो करते हैं सीधा सीधा, आपका चेंज इन स्ट्रेस कितना है, 5×10⁴ डिवाइडेड बाई 0.1, डेल्टा वी अपॉन वी करते हैं स्ट्रेस में, तो ये 4
सीधा सीधा है भाई, मल्टीप्लाई कर लो, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो ये 20 × 10⁴, ये 0.1 है तो इससे 200 हो जाएगा, ये हो गया। आपसे पूछा है 10⁶ में, तो 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल है, आसान है, कर लोगे आराम से। तो ये बेसिक सी बात है, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट, देखो अपने पास में क्या है, 58 में आपसे क्या पूछ रहा है, रिटार्डेशन पूछ रहा है। और रिटार्डेशन के लिए अपने पास में सिंपल फॉर्मूला है, रिटार्डेशन इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ द थिन सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द बाय रेफरेंसेस। बाय रेफरेंसेस क्या होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो यहाँ पे आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं, एक 1.636, एक 1.486। अपने को मालूम है कि भाई 1.636 माइनस 1.486 करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, बाय रेफरेंसेज आ जाएगा। सिंपल है, तो बाय रेफरेंसेज निकालने के लिए भाई घटा दो, 1.636 माइनस 1.486 तो यह 0.15 बाय रेफरेंसेज आएगा। थिकनेस दे रखी है 0.04 मिलीमीटर, तो ये आएगा 0.04 मिलीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.04 से, 0.04 से मल्टीप्लाई किया तो आया 0.006, ये मिलीमीटर में है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, आपको आंसर पूछा है इंटीजर में, जबकि आपका आंसर है 0.006 मिलीमीटर। अब आंसर देखो किस में पूछा है आपको, नैनोमीटर में, आंसर नैनोमीटर में पूछा है भाई, तो नैनोमीटर में अपन निकाल लेंगे, मिलीमीटर को नैनोमीटर में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 10⁶ से, है ना, ये तो सीधा सीधा बताया हुआ है। तो ये 6 बदलेगा, ये 6000, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6000 आ जाएगा भाई नैनोमीटर। तो आपका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, 6000 नैनोमीटर। अब देखो और बॉडी दे रखी है, एक और बॉडी दे रखी है, इसमें क्या है, एक और बॉडी है, इसके अंदर पाइराइट है, इसके अंदर चेल्कोपाइराइट है, और सेम मोलर प्रोपोर्शन में, मतलब जितना चेल्कोपाइराइट है उतना का उतना ही पाइराइट है। तो 50-50 मान लो कि भाई ये भी 50% है और ये भी 50% है, हाँ ना। और आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर इन द ओर विल बी, कॉपर का वेट परसेंटेज पूछ रहा है भाई, कॉपर का वेट परसेंटेज पूछ रहा है ओर के अंदर। अब देखो इस क्वेश्चन में है ना दो दो प्रॉब्लम है, आपको एक और बॉडी दी है जिसके अंदर पाइराइट और चेल्कोपाइराइट दोनों दिया है, लेकिन कॉपर का जो वेट परसेंटेज पूछा है वो ओर के लिए पूछा है, ओर कौन है कॉपर का, यहाँ पे चेल्कोपाइराइट है। अगर आप चेल्कोपाइराइट के अंदर कॉपर का ओर निकालते हो सीधा सीधा, तो उससे एक अलग आंसर आएगा, और अगर पूरी ओर बॉडी के लिए कॉपर का वेट परसेंटेज निकालते हो तो उसका अलग आंसर आएगा, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में अगर ये और बॉडी के लिए पूछेगा, है ना, पूछेगा तो सिंपल, तो सिंपल तो चेल्कोपाइराइट के लिए अगर पूछना होता तो वो सीधा सीधा चेल्कोपाइराइट दे देता, लेकिन अपन दोनों तरीके से इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब जेम वाले किस तरीके से आंसर के में आंसर देते हैं उस हिसाब से अपन देखेंगे, अगर आपका सही रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत हुआ तो अपन ऑब्जेक्शन ले लेंगे, है ना, लैंग्वेज तो लिख के भेज ही देंगे अपन कम से कम। यहाँ पे तुम देखोगे कि भाई चेल्कोपाइराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2, तो इसके अंदर कॉपर का परसेंटेज निकालना है तो CuFeS2। अगर इसके अंदर मैं पाइराइट, पहले चेल्कोपाइराइट से निकाल लेते हैं, कॉपर का है 63.55 डिवाइडेड बाई 63.55, क्योंकि सल्फर दो है तो इसको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 55.85 प्लस 2 × 32.06, तो इसे टोटल करेंगे तो 63.55 प्लस 55.85 प्लस 32.06 प्लस 32.06, तो ये आ गया 183.52, ठीक है। तो 63.55 डिवाइडेड बाय 183.52 ये आता है लगभग लगभग आपका कितना आ रहा है भाई, 34.62%। मैंने 21 कैसे लिख दिया यहाँ पे, है ना, चलो दोनों तरीके से देख लेंगे, ये इसके हिसाब से आ रहा है 34.62, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर बोल रहा है तो 35 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये है इसका,
करने का तरीका कि चैलकोपायरेट के अंदर कॉपर का वेट परसेंटेज निकाला है, क्योंकि इसने पूछा कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर इन दी ओर, पूरी ओर बॉडी के लिए निकालना होगा, तब क्या होगा पायराइट को और ऐड कर देंगे भाई इसके अंदर, Fe2S और ऐड कर दो, Fe2S और ऐड करोगे तो क्या होगा भाई 183.52, तो अपन ने जोड़ ही दिया चल को पायराइट का इसके अंदर 55.85 प्लस 32.06 प्लस 32.06 ये आया 303.49, ये टोटल ओर बॉडी का वेट है, ठीक है। इसमें कॉपर का निकालना होगा तो क्या करेंगे 63 पॉइंट कितना है भाई 55 डिवाइडेड बाय 303.49, तो ये आएगा 0.2099, परसेंटेज में लिखेंगे तो 20.99, और नियरेस्ट इंटीजर अगर जब निकालेंगे तो नियरेस्ट इंटीजर के हिसाब से इसका आंसर आएगा 21, ठीक है। तो नियरेस्ट इंटीजर के हिसाब से इसका आंसर आएगा 21। अब मुझे नहीं पता कि आईआईटी जेएम वाले जब इसके आंसर की निकालेंगे तो वो किस तरह से निकालेंगे, चैलकोपायरेट के लिए कंसिडर करते हैं या पूरी ओवर बॉडी को कंसिडर करते हैं, वो देखने वाली बात होगी, है ना। तो फिलहाल के लिए तो आप दोनों आंसर ही सही मान के चलो, 35 भी और 21 भी, ठीक है। चलो 60 क्वेश्चन देखो, ये तो ऑल टाइम फेवरेट अपना है ना। आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि ये पी पॉइंट है भाई साहब और ये क्यू पॉइंट है, पी पॉइंट पे जो मेल्ट का कंपोजिशन है जब वो क्यू पॉइंट पे पहुंचेगा तो बताओ कि मेल्ट का प्रोपोर्शन कितना बचेगा। तो अपने को क्या बनानी पड़ेगी, टाई लाइन बनानी पड़ेगी। एक टाई लाइन मैंने ये बनाई, एक टाई लाइन मैंने ये बनाई, ये फलक्रम है मेरा, और यहाँ पे पी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो मेल्ट कितना है पी पॉइंट पे 100% है, पी पॉइंट पे मेल्ट कितना है भाई 100% है। क्यू पे कितना है, तो इसके लिए नंबर नहीं दे रखा, तो ये 0, ये 20, ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100। तो फलक्रम जो है वो आपकी टोटल टाई लाइन की लेंथ कितनी है, 60 से 100 है, तो टाई लाइन की लेंथ कितनी होगी x प्लस वाई टोटल 40, क्योंकि 60 से 100 के बीच में ये कितना है 20, ये कितना है 20, x की वैल्यू भी 20 है और y की वैल्यू भी 20 है ना। तो मेल्ट का प्रोपोर्शन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, y अपॉन x प्लस वाई करते हैं, तो 20/40 × 100, तो ये कितना आ जाएगा भाई 50%। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मेल्ट, फ्रैक्शन ऑफ मेल्ट अगर पूछा है तो मेरे को परसेंटेज हटाना पड़ेगा, परसेंटेज हटाऊंगा तो ये आएगा 0.50, और यहाँ पे बोल रहा है कि डेसिमल, वन डेसिमल प्लेस के लिए बोल रहा है, तो वन डेसिमल प्लेस के लिए करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो इसमें जो 60 नंबर है इसका आंसर है 0.5, 59 का 35 और 21, 58 का आंसर है 6000, 57 का आंसर है 2, 56 का आंसर है 40, 55 का 0.60, 54 का है 13, 53 का है कितना आ रहा है 53 का 0.793 और 0.794, 52 का है 1 GPa, 51 का है 20, 50 का है 22500, 49 का है 385, 48 का है 1000.000, 47 का 5.6, 46 का 2, 45 का 43.50, 44 का 1.5, 43 का 40, 42 का 20, 41 का 3। तो ये तो हो गए अपने एनएटीज, ठीक है। मेरे ख्याल से एनएटीज में दो ही जगह है जहाँ पे थोड़ा इफ एंड बट का स्कोप है, बाकी तो मोर और लेस यही आंसर आने हैं, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की, अभी अपन एमएसक्यू कर लेते हैं, ठीक है। एमएसक्यू में आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन मेंटल पार्शियल मेल्टिंग इज करेक्ट और आर करेक्ट। तो अपने को पता है कि भाई जब अपन शैलो डेप्थ पे मेल्टिंग करते हैं, शैलो डेप्थ पे जैसे मान लो कि ये आपका क्रस्ट है, क्रस्ट से शैलो डेप्थ पे अगर मेल्टिंग करते हैं तो थियोलिटिक बेसाल्ट प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसके लिए पार्शियल मेल्टिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। और ओलिविन बेसाल्ट के लिए, अल्कलाइन बेसाल्ट के लिए क्या होता है, आपको डीप जाना पड़ेगा और पार्शियल मेल्टिंग की जो डिग्री है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग ज़्यादा चाहिए थियोलिटिक बेसाल्ट के लिए और शैलो डेप्थ पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे शैलो मेल्टिंग प्रोड्यूसेस थियोलिटिक बेसाल्ट, तो ये सही है। फिर लो डिग्री मेल्टिंग प्रोड्यूसेस अल्कलाइन बेसाल्ट, ठीक है, ये बात भी ठीक है। फिर आपका बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ CO2 रिच वोलेटाइल्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ थियोलिटिक बेसाल्ट, नहीं ये थियोलिटिक बेसाल्ट नहीं बनाएगा, ये या तो अल्कलाइन बेसाल्ट बनाएगा या कार्बोनेटाइट बनाएगा, ठीक है। तो ये सी स्टेटमेंट गलत है।
फिर प्रेजेंस ऑफ एस्टुअरीज वोलेटाइल्स फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्कली बेसाल्ट, एल्कलाइन बेसाल्ट। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन एल्कली बेसाल्ट के लिए ठीक नहीं है। होप बेनिफिट ऑफ डाउट जा सकता है ना, इसलिए क्योंकि H2O जब भी प्रेजेंट होगा तो वो मेल्टिंग पॉइंट को बहुत सप्रेस कर देता है, तो मेल्टिंग बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन एल्कलाइन बेसाल्ट के लिए आपको बहुत कम डिग्री की मेल्टिंग चाहिए, है ना, तो टेम्परेचर तो हाई चाहिए। तो इसलिए H2O जो है वो एल्कलाइन बेसाल्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे और कोई रॉक होती तो अपन फिर भी सोच, जैसे एंडेसाइट होता तो एंडेसाइट के लिए जरूर है ना। तो इसलिए ये आपका बेनिफिट ऑफ डाउट है। तो मेरे ख्याल से इसका जो सही आंसर है वो ए और बी है। डी ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अभी के लिए आप ए और बी लेके चलो, ठीक है। 32 के लिए आपका शिवालिक्स के अंदर क्या क्या मिलता है भाई? डायनासोर्स तो आपको लमेटा और उसमें मिलते हैं, है ना, शायद, है ना। तो प्रोबोसीडिया हाथी मिलता है, जिराफ मिलता है और घोड़ा मिलता है, डायनासोर नहीं मिलता। तो इसके लिए आंसर है ए बी एंड डी, ए बी डिविलियर्स, ठीक है। फिर आपका द करेक्ट स्टेटोग्राफिक सक्सेशन अरेंज फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट। तो अपने को पता है क्रिटेशियस ऑफ त्रिचनोपल्ली पढ़ते हैं, उसमें आपका उत्तातुर आता है, त्रिचनोपल्ली आता है, रियालूर और निन्नियूर। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। फिर यहाँ पे चारी पच्चम यूमिया कटोल, नहीं, पच्चम चारी, पच्चम पहले आता है चारी बाद में आता है, तो ये गलत है। चीन कमजाल चली नागरी दौड़ा डेटोर पंजौर, तो ये ठीक है। फिर सेमरी कैमू रेवा बंडेर, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये इधर आना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें आपका ए और सी करेक्ट है। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्टली मेज्ड। फोटिक जोन के अंदर बायोजेनिक कार्बोनेट रॉक मिलती हैं, मिलती हैं, ठीक है भाई। फोटिक जोन क्या होता है? अप टू जहाँ पे सोलर रेडिएशन पहुँचती है ना, और वहाँ पे आपको फॉसिल एरस लाइमस्टोन मिलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे भी सीसीडी के ऊपर रहता है तो वो स्टेबल होता है। डेल्टा प्रोग्रेडेशन, डेल्टा में आपके फाइनर पार्टिकल नीचे होते हैं, बड़े पार्टिकल ऊपर होते हैं, तो कोर्सनिंग अपवर्ड सिक्वेंस देखने को मिलती है डेल्टा के अंदर, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट में ये पढ़ाया भी है। सबका जो है सेल्फ स्टॉर्म डिपॉजिट, सबका तो आपके सुपरा टाइडल या कोस्टल एरिया में होते हैं, जबकि सेल्फ स्टॉर्म डिपॉजिट तो थोड़ा सा इंटीरियर में जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है। फिर आपका सेल्फ ब्रेक सबमरीन फेंस, नहीं, सेल्फ ब्रेक जो है वो तो आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ से जब कॉन्टिनेंटल स्लोप में ट्रांजिशन करते हैं तब आता है, और कॉन्टिनेंटल सेल्फ के स्लोप के ऊपर तुमको मिलते हैं सबमरीन कैनियंस, और कॉन्टिनेंटल स्लोप पे तुमको मिलते हैं सबमरीन फेंस, तो ये गलत है। तो ये तो अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है भाई, है ना। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए और बी ही होना चाहिए, है ना, सी और डी इसमें बैठेगा नहीं, है ना। सबका जो है सुपरा टाइडल में है यार, लैंड की तरफ आ जाता है ना, और सेल्फ स्टॉर्म डिपॉजिट जो आते हैं वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ का पार्ट है। हालांकि सुपरा टाइडल और कोस्टल एरिया जो है वो भी कॉन्टिनेंटल सेल्फ का ही पार्ट है, लेकिन वो वाटर सबमर्ज्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना। अगर वाटर सबमर्ज्ड नहीं है तो उस केस में सबखा और सबखा पे जो डिपॉजिट होते हैं वो प्राइमरली इवेपरेशन प्रोसेस से होते हैं, है ना, वो स्टॉर्म डिपॉजिट्स नहीं है, वो प्राइमरली इवेपरेशन प्रोसेस से आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी और डी वुड नॉट बी करेक्ट एज पर माई एनालिसिस। तो आंसर ए और बी इसका सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी आंसर की आएगी तो देखेंगे क्या देते हैं, उसके हिसाब से ऑब्जेक्शन करना रहेगा तो फिर देखेंगे। यहाँ पे 35 में देखो हाई ड्रेनेज डेंसिटी, हाई ड्रेनेज डेंसिटी का मतलब क्या है कि भाई एरिया है इसके अंदर आपको बहुत सारी स्ट्रीम्स मिल रही हैं, यही तो है हाई ड्रेनेज डेंसिटी। तो बहुत सारी स्ट्रीम्स कब बनेगी? जब रेनफॉल ज़्यादा हो, है ना, और रिलीफ ज़्यादा रहेगी, तो उस केस में क्या रहेगा, स्ट्रीम्स बहुत जल्दी बन पाएंगी, एडजस्ट हो पाएंगी, है ना। तो हाई रिलीफ तो चाहिए, एरिड क्लाइमेट में कहाँ से, नहीं एरिड क्लाइमेट, बारिश चाहिए बाबू, बारिश चाहिए रे। तो इम्परवियस सरफेस लेयर होना चाहिए, परमिबल होएगा तो पानी सारा का सारा इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, तो स्ट्रीम्स बन नहीं पाएंगी भैया, बस। तो बात ए और सी इसका करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मास वास्टिंग प्रोसेस, मास वास्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आपका जो मास है वो मूव करता है, सेडिमेंट्स है, रॉक डेब्रिस है, वो मूव करता है, ठीक है। स्लो प्रोसेस भी होती है जनरली, तो लैंडस्लाइड्स में मास मूवमेंट करता है, लहर्स के अंदर वॉल्केनिक जो मड फ्लो होता है वो आपका मूव करता है, एवलांचेज में भी अलोंग द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपका मटेरियल नीचे आता है भागता हुआ, इसमें होता है। सैंडस्टॉर्म जो है वो नहीं, सैंडस्टॉर्म जो है वो विंड वजह, विंड की, विंड ड्रिवन है, है ना, एक जगह प्रेशर ग्रेडिएंट की वजह से है बेसिकली, है ना, कि एक जगह प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एक जगह प्रेशर बहुत कम है, उसको इक्विलिब्रेट करने के लिए हवाएं चलती हैं, तो वो हवाएं चलती हैं तो धूल उड़ाते हुए चलती हैं, तो वो आपके सैंडस्टॉर्म से, ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शन ए बी एंड सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। फिर भाई साहब
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोरेस्पॉन्ड टू द पायरोक्सेन ग्रुप? पायरोक्सेन ग्रुप में आपका Si2O6 होता है, होता है सिंगल चैन सिलिकेट स्ट्रक्चर आयनोसिलिकेट्स में, तो ये तो आपका डायऑक्साइड है, तो ये तो पायरोक्सेन है, CaAl2SiO6। ये कुरोसाइट करके एक मिनरल है, रिसेंटली ऐड हुआ है ये, है ना। मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जब मैं आपके लिए सॉल्यूशन बना रहा था तब मेरे को, मैंने इसको देखा था तो मुझे पता चला कि ये भी पायरोक्सेन का ही है, ठीक है, तो ये भी पायरोक्सेन का है, Ca2Si2O6। अब ये हेडनबर्गाइट और डायऑक्साइड के बीच की एंड चेन है, तो ये पायरोक्सेन में आता है, लेकिन ये वोलेस्टोनाइट भी है। अगर एग्जामिनर इसको वोलेस्टोनाइट ट्रीट करेगा तब तो ये पायरोक्सेन में नहीं है, क्योंकि वो पायरोक्सिनोइड में आता है, वोलेस्टोनाइट पायरोक्सिनोइड में आता है, मैंने आपको बताया हुआ भी है। ये पायरोक्सिन और पायरोक्सिनोइड में क्या फर्क है? उतना ही फर्क है जितना फेल्डस्पार और फेल्डस्पैथोइड्स में, बिल्कुल मिनरल फैमिली अलग अलग है, ठीक है। तो पायरोक्सिन ग्रुप के अंदर पायरोक्सिनोइड नहीं आता है, तो अगर इसको एग्जामिनर वोलेस्टोनाइट ट्रीट करेगा तब तो ये सी ऑप्शन आपका गलत है, और अगर इसको ये हेडनबर्गाइट और डायऑक्साइड के बीच की एंड मेंबर को कंसिडर करेगा तब ये आंसर सही है। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी है ना, स्टार लगा लो, बेनिफिट ऑफ डाउट इसको मिल सकता है, और ये तो आपका एक माइट है ही, तो ए बी और डी तो हर हाल में सही है, सी ऑप्शन जो है ये डिपेंड करेगा कि ये वोलेस्टोनाइट कंसिडर किया जाएगा कि ये डायऑक्साइड हेडनबर्गाइट के बीच की एंड मेंबर को कंसिडर करते हैं। अगर एंड मेंबर को कंसिडर किया तो ये पायरोक्सेन है, नहीं किया तो ये नहीं है, ठीक है। तो अब तो आंसर किया है कि तभी पता चलेगा कि भाई वो क्या मान के चल रहे हैं, है ना। बाकी ए बी और डी तो इसमें एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर करेक्टली मैच्ड विद कोरेस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर? डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर में भाई आपका लेयर पैरेलल कंप्रेशन बकल फॉल्ट से तो डेफिनेशन ही है, कोहेशन लॉस जब होता है तभी सिलिकॉन साइड्स बनते हैं, आपका फॉल्टिंग तभी होती है, प्रेशर सॉल्यूशन से स्टाइलोलाइट्स आते हैं, स्टाइलोलाइट जनरली रॉक क्लीवेज में कंसिडर, बेनिफिट ऑफ डाउट है भाई, है ना, रॉक क्लीवेज में मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, है ना, क्योंकि स्टाइलोलाइट जो है वो सेडिमेंटरी प्रोसेस से भी बनते हैं, मेटामॉर्फिक प्रोसेस से बनते हैं, इग्नस प्रोसेस से भी बनते हैं, है ना, तो वो रॉक क्लीवेज का पार्ट हो सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट है, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट अपन लेके चल लेते हैं कि हाँ ठीक है, प्रेशर सॉल्यूशन भी आपका है। जॉइंटिंग प्लूमोज जो मार्किंग्स होती हैं ये आपका स्पेसिफिकली फॉल्टिंग से एसोसिएटेड है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो फॉल्ट के अलोंग, फॉल्ट प्लेन के अलोंग जो मूवमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको मेजर करने के लिए अपन इसको यूज करते हैं, तो प्लूमोज जॉइंटिंग के साथ में एसोसिएटेड नहीं है, तो बी तो नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन ए सी एंड डी वुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी आंसर की आएगी तो देखेंगे क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे आप देखो बेरोवियन सीक्वेंस दे रखी है भाई, बेरोवियन सीक्वेंस अपने को पता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म के लिए होता है, और बेरोवियन सीक्वेंस में आपको पता है ये आपका क्लोराइड आइसोग्रेड, ये बायोटाइट आइसोग्रेड, ये आपका गार्नेट आइसोग्रेड, ये स्टोरोलाइट, ये काइनाइट और ये सिल्मनाइट। तो अगर ये क्लोराइट आइसोग्रेड है, क्लोराइट आइसोग्रेड है, तो अपने को मालूम है कि ये मेरा क्या होगा, क्लोराइड जोन होगा, क्लोराइड जोन। तो कब्जी से क्या शर्माना, याद होगी तुमको ट्रिक, अपन ने किया है कितनी बार, है ना। तो ये मेरा क्लोराइड जोन है, है ना, फिर ये मेरा बायोटाइट आइसोग्रेड है तो ये मेरा बायोटाइट जोन है, ये फिर ये मेरा गार्नेट आइसोग्रेड है तो ये मेरा गार्नेट जोन है, फिर ये मेरा स्टोरोलाइट आइसोग्रेड है तो ये मेरा स्टोरोलाइट जोन है, फिर ये मेरा काइनाइट आइसोग्रेड है तो ये मेरा काइनाइट जोन है, फिर ये सिल्मनाइट आइसोग्रेड है तो ये मेरा सिल्मनाइट जोन है, ठीक है। अब आपको देखो ये दिया हुआ है क्लोराइड जोन, क्लोराइड आइसोग्रेड, तो यहां से लेकर के यहां तक ये क्या होगा भाई, क्लोराइड जोन होगा। ये आपको दे रखा है तो क्लोराइड जोन के बाद में क्या आएगा, बायोटाइट आइसोग्रेड आएगा, तो ये जो पी है ये किसका हो जाएगा, बायोटाइट के लिए, बायोटाइट का आइसोग्रेड है ना, और ये जोन क्या हो जाएगा, बायोटाइट जोन हो जाएगा। फिर ये मेरा गार्नेट का आइसोग्रेड है, गार्नेट का आइसोग्रेड है तो ये पूरा रीजन मेरा क्या हो जाएगा, गार्नेट जोन हो जाएगा। फिर ये मेरा स्टोरोलाइट आइसोग्रेड है तो ये पूरा रीजन स्टोरोलाइट हो जाएगा, और ये मेरा पूरा का पूरा काइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे पी मेरा बायोटाइट हो जाएगा, क्यू मेरा गार्नेट जोन हो जाएगा, और आर मेरा क्या होगा भाई, काइनाइट आइसोग्रेड हो जाएगा। और अपने को पता है कि क्लोराइड से सिल्मनाइट जोन की तरफ जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो आपका ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म बढ़ता जाता है, तो आपका ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म इंक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, तो ये ऑप्शन एक सही है,
पी आइसोग्रेड इज द गार्नेट आइसोग्रेड, पी आइसोग्रेड पी बायटाइट आइसोग्रेड है तो ये गलत है, जोन क्यू इज द गार्नेट जोन तो ये बिल्कुल सही बात है, आर आइसोग्रेड इज द काइनोइट आइसोग्रेड तो बिल्कुल सही बात है, तो ए सी डी, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो आपके ए सी डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड बाई ब्रिटल डिफॉर्मेशन, ब्रिटल डिफॉर्मेशन का मतलब क्या आता है, टूट जाते हैं भाई टुकड़ा टुकड़ा अलग अलग, टूटा टूटा है कि परिंदा ऐसा टूटा कि फिर ना जुड़ पाया, लेकिन कैटाक्लासाइट अलग है, कैटाक्लासाइट में प्राइमरी कोहेशन तो होता है बट फोलिएशन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन है होता वो ब्रिटल जोन का ही है ना, तो ये भी ब्रिटल का है, ये भी ब्रिटल का है, माइलोनाइट जो है आपका डक्टाइल डिफॉर्मेशन का है क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी कोहेशन एज वेल एज फॉरेशन दोनों देखने को मिलते हैं, और गोद जो है ये पुलवराइज मटेरियल होता है भाई, पाउडर पाउडर हो जाता है पूरा का पूरा, ये भी आपका ब्रिटल जोन है, तो ए बी डी, ए बी डी विलियर्स फिर से आ गए अपना, तो ये है 40 का ए बी डी, 39 का ए सी डी, 38 का ए सी डी, 37 का ए बी डी, सी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 36 का ए बी सी, 35 का ए और सी, 34 का ए बी, 33 का ए और सी, 32 का ए बी डी, ए बी डी विलियर्स आ गए भाई साहब, 31 का ए और बी, ठीक है, डी जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट है, कैंसिल ही कर दो, डी वैसे भी होने की गुंजाइश ना के बराबर है, अगर आंसर तुम चाहोगे आंसर के में अगर सिर्फ ए बी आया और तुम चाहते हो कि नहीं डी ठीक हो, तो उसके लिए कुछ अपने पास में रेफरेंसेज हैं तो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, बट मेरे ख्याल से इसका आंसर ए और बी होना चाहिए। फिर अपने पास में निकल, ये अपन एमसीक्यू कर लेते हैं भाई तुरंत, है ना, एमसीक्यू, ये क्वेश्चन नंबर वन, तो प्लेट टेक्टोनिक बेनी ऑफ जोन क्या होता है भाई, सबडक्शन जब होता है तो यहाँ पे बहुत सारे फोकस बनते हैं अर्थक्वेक के सबडक्टिंग प्लेट के ऊपर, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेनी ऑफ जोन बोलते हैं, ठीक है, जोन ऑफ फोकस ऑफ अर्थक्वेक्स ऑन द सबडक्टिंग प्लेट, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेनी ऑफ जोन, तो ये सबडक्शन जोन का करेक्टरिस्टिक है, तो आंसर हो जाएगा बी। फिर न्यूट्रॉन रिच अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स का क्या करता है, न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाइड जो होता है वो अपने न्यूट्रॉन को न्यूट्रलाइज करता है, प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है ना, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो जो है उसको बढ़ाता है ताकि जो न्यूक्लियाइड है वो आपका स्टेबल हो सके, तो इसके अंदर क्या होता है, बीटा माइनस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सचर इज फाउंड इन एल्कली ओलिविन बेसाल्ट, तो रापा के भी टेक्सचर तो ग्रेनाइट के अंदर मिलता है ना, ऑर्थोक्लेज के ऊपर प्लेजोक्लेज की ओवर ग्रोथ होती है, ग्राफिक टेक्सचर में आपका ऑर्थोक्लेज और क्वार्ट्स के बीच में क्या होती है, इंटरग्रोथ होती है ना, ग्राफिक टेक्सचर यूटेटिक पॉइंट का क्रिस्टलाइजेशन है, अगर क्वार्ट्स और क्वार्ट्स मिल रहा है तो ओलिविन नहीं मिलेगा है ना, तो ये भी आपका जनरली ग्रेनाइटिक रॉक के अंदर देखने को मिलता है, ब्लास्ट ऑफ पोरफिरिटिक जो है वो मेटामॉर्फिक टेक्सचर है, ब्लास्ट ऑफ पोरफिरिटिक है ना, मेटामॉर्फिक टेक्सचर है बेसिकली है ना, एक ऐसा टेक्सचर जो इग्नियस रॉक से इनहेरेंटेड गया बट मेटामॉर्फोस्ड रॉक के अंदर मिलेगा ब्लास्ट ऑफ पोरफिरिटिक, लेकिन यहाँ पे जो रॉक है बेसाल्ट तो वॉल्केनिक इग्नियस रॉक है तो ये हो नहीं सकता, तो ये इंटरग्रेनुलर हो जाएगा, सिंपल सिंपल इंटरग्रेनुलर हो जाएगा, इसका क्या मतलब है कि आपके पायरोक्सिन जो है वो प्लेजोक्लेज को इनक्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद करो ऑफिटिक सब ऑफिटिक इंटरग्रेनुलर इंटरसर्टल वो एक पूरी सीरीज आपको बताई हुई है, सिंपल है, कॉमन सेंस लगाओगे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर द मिनरल असेंबलेज फाउंड इन ग्रेनुलाइट फेसिस, ग्रेनुलाइट फेसिस में अपन ने कितना कुछ डिस्कस किया भाई यार, मिनरल असेंबलेज तो अपने ने रट लिया था पूरा का पूरा, ग्लूकोफेन लोसनाइट क्लोराइट ये किसका है, ब्लूसिस्ट फेसिस का है, किसका है भाई, ब्लूसिस्ट फेसिस का। फिर और ओपीएक्स गार्नेट प्लेजोक्लेज सीपीएक्स ये आपका किसका है, ग्रेनुलाइट का है। फिर एक्टिनोलाइट एल्बाइट क्लोराइट एपिडोट ये किसका है, ग्रेन सिस्ट का है, ग्रेन सिस्ट का है। फिर ऑम्फेसाइट प्लस गार्नेट प्लस क्वार्ट ये किसका है, ये अपने एक्लोगाइट का है, अपनी एक्लोगाइट का है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। फिर ग्लॉसोप्टेरिस, ग्लॉसोप्टेरिस जो है वो आपके गोंडवाना फ्लोरा, गोंडवाना फ्लोरा करेक्टरिस्टिक है भाई, अब यहाँ पे रानीगंज जो फॉर्मेशन है वही आपका गोंडवाना का, बाकी तो गोंडवाना के है नहीं है ना, तो आपका करेक्ट आंसर ए सीधा सीधा हो जाएगा, कर लो। फिर आपका है इन ए सीक्वेंस ऑफ अनडिफाइंड सेडिमेंट्री रॉक्स, यंगर रॉक्स ओवरलाई ओल्डर रॉक्स, तो अपन एक स्टेटिग्राफी का बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ये मान लो कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये अनडिफॉर्म्ड है,
तो आपका जो डी होगा वो सबसे यंगर होगा, ए जो होगा वो सबसे ओल्डर होगा, और इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेटिग्राफी का पहला प्रिंसिपल ये पढ़ाया जाता है आपको। तो ऑप्शन ए वुड बी यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। क्या होता है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। जो प्रेजेंट टाइम में आपकी वेदरिंग प्रोसेसेस चल रही हैं वो पास्ट में भी चल रही थी, बट इंटेंसिटी उनकी अलग अलग हो सकती है। ये किसने दिया था, जेन सटन ने दिया था। फनल सक्सेशन में भी क्या है कि यहाँ पे जो फॉसिल्स होंगे वो आपके ओल्डेस्ट होंगे एज कम्पेयर टू इन दिस, तो फनल सक्सेशन नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आपको बोल रहा है रॉक्स की बात कर रहा है ना, फॉसिल्स की बात नहीं कर रहा। ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी, ये भी आपका क्या है कि जब आपके सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं तो वो असेंशियली हॉरिजॉन्टल लेयर के अंदर डिपॉजिट होते हैं। तो ये तो हैं तो चारों ही सही, लेकिन अलग अलग चीज के लिए सही है। तो जो पूछा हुआ उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन है, सुपरपोजिशन। फिर आपका ड्रॉप स्टोन्स आर फाउंड इन, ड्रॉप स्टोन्स आपके ग्लेशियल एनवायरनमेंट में बनते हैं और इनमें से जितने भी फॉर्मेशन दे रखे हैं, ये आपका सिर्फ तालचेर फॉर्मेशन है जो ग्लेशियर फ्लेवोटाइल एनवायरनमेंट को बताता है। तो तालचेर फॉर्मेशन के अंदर तुमको क्या मिलेगा भाई, ड्रॉप स्टोन्स मिलेंगे। तो बी ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट। इनमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना, सीधे सीधे हैं। द सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर फाउंड बाय यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जब करंट बहता रहेगा तो उससे कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, क्रॉस बेडिंग बनती है, अपने को मालूम है, है ना। ऑसिलेशन रिपल जो है बाई मॉडल के लिए बनता है, कंक्रीशन जो है वो आपकी ओवरग्रोथ से बनता है, ऑर्थोजेनिक ओवरग्रोथ, और हमोकी क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन आपका स्टॉर्म एक्टिविटी से बनता है। तो सीधा सीधा ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। फिर है आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीकर्सर ऑफ पेट्रोलियम। प्रीकर्सर ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, केरोजन होता है भाई, है ना, केरोजन से पेट्रोलियम बनता है ना। क्लेरेन, ड्यूरेन, विट्रेन, ये सारे सारे किससे रिलेटेड है, कोल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमॉर्फस वेराइटी ऑफ सिलिका, चीक चीक के चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ, ओपेल, है ना, हाइड्रेटेड सिलिका बोलते हैं इसको। ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। सिट्रीन, अगेट और ये सारी सारी क्या माइक्रोक्रिस्टलाइन वेराइटीज है। फिर नेम ऑफ एन इग्नियस रॉक हैविंग ए मॉडल कंपोजिशन 55% ओलिविन है, 40% ओपीएक्स है। तो ये आपका पेरिडोडाइट वाला क्लासिफिकेशन है, ये डूनाइट है, या यहाँ तक हर्ज़बर्गा, ये पेरिडोडाइट है, है ना, ये आपका हर्ज़बर्गाइट होता है, ये आपका वेरलाइट होता है, और ये आपका लेर्जोलाइट होता है। यहाँ पे ओपीएक्स होता है, यहाँ पे सीपीएक्स होता है, यहाँ पे ओलिविन होता है। तो ओलिविन और ओपीएक्स इसमें भरे पड़े हैं, तो आपका ये कौन सी रोग हो जाएगी भाई, सिंपल सिंपल हर्ज़बर्गाइट हो जाएगी। लेर्जोलाइट के अंदर ओपीएक्स, सीपीएक्स, ओलिविन तीनों होते हैं। ट्रोपोलाइट के अंदर ओलिविन और प्लेजोक्लेज ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर पाइरोजिन बहुत कम होता है, ठीक है। तो गैब्रो के अंदर सीपीएक्स और प्लेजोक्लेज होते हैं, ट्रोपोलाइट के अंदर ओलिविन और प्लेजोक्लेज होते हैं, लेर्जोलाइट के अंदर ओलिविन, ओपीएक्स, सीपीएक्स होते हैं, और हर्ज़बर्गाइट के अंदर प्राइमरली ओलिविन और ऑर्थोपाइरोक्सिन होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन आवर सोलर सिस्टम। मिनरोलॉजी के पहले या दूसरे लेक्चर में मैं आपको एलिमेंटल अबंडेंस बताता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको पता है यूनिवर्स सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा कौन है, हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर आपका कौन है, ऑक्सीजन है, फिर आपका आयरन है। तो ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। क्रस्ट के अंदर कौन है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है। मेंटल के अंदर कौन ज़्यादा है, अर्थ एज ए होल के अंदर कौन ज़्यादा है, ये सब आपको करवाया हुआ है ना, और घूम घूम के वही क्वेश्चन पूछ रहा है नचा नचा है। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉडी फॉसल, कॉप्रोलाइट जो फिकल पैलेट्स हैं ये बॉडी फॉसल नहीं है, फुटप्रिंट जो है ये आपका इनडायरेक्ट फॉसिल है, कास्ट जो है ये भी आपका इनडायरेक्ट फॉसिल है। तो स्टोमेटोलाइट से बना, बायोजेनिक आपकी यही एक्टिविटी है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू अलगी अलगी से बनता है ये स्टोमेटोलाइट्स, याद है, जो ऑक्सीजन एटमो इन्वर्जन या ऑक्सीजन ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीजन जब सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा आई थी तो उसके पीछे वन ऑफ द रीज़न यही है स्टोमेटोलाइट, अगर ये ना होता तो हम ना होते, ठीक है। तो इनकी बॉडी जो है उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है हमारी इनडायरेक्टली, ठीक है। फिर मैच द फॉलोइंग वाला है, तो डेल्थेरियम तुमको ब्रेकियोपॉड में मिलेगा, पाइजिडियम तुमको ट्राइलोबाइट में मिलेगा, एम्बुलेक्रल एरिया तुमको इकानोडर्मेटा में मिलेगा, डिसिपीमेंट्स तुमको किस में मिलते हैं, डिसिपीमेंट्स कोरल्स में मिलते हैं, और कोरल्स किस में आते हैं, एंथोजोआ में आते हैं। तो पी फोर क्यू थ्री आर टू एस फोर, देख लो जो भी ऑप्शन बैठ रहा है, पी फोर क्यू थ्री आर टू एस वन, एस वन, एस वन ही आ रहा है क्या, हाँ एस वन, तो ऑप्शन ए ही इसमें शायद सही बैठेगा। फिर स्टाइलोलाइट जो है वो आपका डायजेनेसिस प्रोसेस से भी बनते हैं, और स्टोमेटोलाइट जो है वो आपके ऑर्गेनो सेडिमेंट्री बाइंडिंग मटेरियल है। तो पी टू एस क्या है भाई, थ्री,
करंट क्रिसेंट जो है वो स्कोरिंग एक्शन से बनता है, तो आर फोर हो जाएगा, और स्यूडो नोड्यूल जो है वो अपने को बताया लिक्विफेक्शन से बनता है, बताया हुआ है क्लास में, क्यू वन, ठीक है। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन देख लेना भाई, पी टू क्यू वन आर फोर एस थ्री, पी टू क्यू वन आर फोर एस थ्री, इसमें भी ऑप्शन ए बैठ रहा है, ठीक है। फिर है अपने पास में 17, ड्राइकेंटर एओलियन का है, सर्ग जो है ग्लेशियल का है, नेचुरल लिवी फ्लूवल का है, बरम जो है तुम्हारा बीच का है, ठीक है। तो पी थ्री क्यू वन आर फोर एस टू, पी थ्री क्यू वन आर फोर एस टू, पी थ्री क्यू वन आर फोर एस टू, ऑप्शन ए में करेक्ट बैठ रहा है। फिर है ग्रुप मेंबर फॉर्मेशन, नहीं, ग्रुप के बाद में फॉर्मेशन आता है, तो ये गलत हो गया। इओन एरा इपोक पीरियड, नहीं, इपोक इधर आता, पीरियड इधर आता, ये गलत हो गया। ग्रुप फॉर्मेशन मेंबर बेड, ये सही है। इओन एरा सीरीज, नहीं, सिस्टम इधर आता, सीरीज इधर आता, तो ये सही होता, तो ये गलत, ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। सिलेमनाइट जो है वो आपका सेकेंड ऑर्डर शो करता है, क्वार्ट जो है फर्स्ट ऑर्डर शो करता है, इंटरफेरेंस मस्कोवाइट थ्री करता है थर्ड ऑर्डर, और कैल्साइट जो है ग्रेटर देन थर्ड ऑर्डर, ये है। तो पी टू क्यू वन आर फोर एस थ्री, पी टू क्यू वन आर फोर एस थ्री, पी टू क्यू वन आर फोर एस थ्री, ये ऑप्शन सी, ये इंटरफेरेंस वाला ऑर्डर वाला है। ये क्वेश्चन प्रोबेबली तुम नहीं कर पाए होंगे, और किया भी होगा तो तुमने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने गलत किया होगा ये। हालांकि मैंने एग्जांपल तुमको लिखा रखे हैं, रिटार्डेशन जहाँ पे अपन करते हैं, ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कलर वाला देखते हैं कि पहला ऑर्डर कितने पे होता है, सेकंड पे कितना होता है, थर्ड पे कितना होता है, रिटार्डेशन अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स मैंने तुमको लिखवाया हुआ है। फिर भी तुम इसको गलत करके आए हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, है ना। अगर ये इस तरह के क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड किया जाता है कि आपने कोचिंग ली है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को फिर आप ठीक करके आओ, है ना, और नहीं किया है तो भाई कोई बात नहीं, है ना, देखते हैं। सेचुरेटेड थिकनेस ऑफ एन अनकन्फाइड एक्विफर, सेचुरेटेड ये आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कैपिलरी एक्शन रहता है यहाँ पे, फिर आपका वाटर टेबल आता है और उसके बाद में इम्परवियस लेयर आती है, तो ये जितना रहता है एक्विफर ये फ्रेटिक जोन में रहता है, तो इसको अपन बोलते हैं सेचुरेटेड जोन, ठीक है, जोन ऑफ सेचुरेशन, ये यहीं से तो स्टार्ट होता है। तो वाटर टेबल एंड अंडरलाइन कन्फाइनिंग लेयर, यहाँ तक जो थिकनेस है ये पूरा का पूरा कौन है आपका सेचुरेटेड। द ग्राउंड सर्फेस एंड द वाटर टेबल, ये तो वेडोज जोन है, ऑप्शन ए वेडोज जोन के लिए। द वाटर टेबल एंड द मीन सी लेवल, ये आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए है, तो ये गलत है, ये गलत है। द ग्राउंड सर्फेस एंड द अंडरलाइन कन्फाइनिंग लेयर, नहीं, ये तो पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेयर है, वेडोज जोन भी आ जाएगा इसके अंदर, तो वो पूरा सेचुरेटेड नहीं रहेगा, उसके अंदर अनसेचुरेटेड जोन भी रहेगा, सेचुरेटेड जोन भी रहेगा, तो इसलिए ये भी गलत, तो ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। डार सिलो क्वांटिफाइज द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर पर यूनिट टाइम, है ना, डिस्चार्ज अपन लेता है ना मीटर क्यूब पर सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक है, तो पर यूनिट टाइम हो जाएगा सीधा सीधा, ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। ये आपको जियोमॉर्फोलॉजी में मेंदरसन ने कितनी बार करवा रखा है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट फर्स्ट मिलके दो बनाएंगे, ये दो और एक मिलके दो बनाएंगे, ये फर्स्ट फर्स्ट मिलके दो बनाएंगे, दो और मिल एक मिलके दो बनाएंगे, दो दो मिलकर के तीन बनाएंगे, और ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। कितना आसान है, तुम बोलेगा तेरे लिए तो अब आसान है मास्टर, अब तेरे को आ रहे हैं तो तू नाटक कर रहा है हमारे सामने, है मुंह बना रहा है ऐसे पोपले पोपले करके, है नहीं नहीं भाई लाडले ऐसी बात नहीं है, पेप थोड़े ईजी है यार, मानना तो पड़ेगा, देख ईजी तो है, है ना। ए टनल विद वर्टिकल वॉल्स एंड आर्क्स क्राउन इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू ए सेट ऑफ सेडिमेंट्री बेड्स, तो थिकनेस, इसका आंसर जो है वो बी है, ठीक है, और उसके एक्सप्लेनेशन तुमको लाइव क्लास में भी कर देंगे, महेंद्र सर एक्सप्लेन कर देंगे। बस बेसिकली बात ये है कि भाई आर्क के ऊपर इक्वल प्रेशर जब तक लगेगा तो तुम्हारा स्टेबल रहेगा, वेरिड डिप जब रहेगी तो वो थोड़ा सा किसी डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, तो अनइवन जब आपका प्रेशर रहेगा तो अनस्टेबल होता जाता है टनल आपका, ठीक है, तो ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आपका प्लंजिंग फॉल्ट विल नॉट शो है, तो उसके अंदर अगर आपका इक्वल टू द डिप ऑफ द ग्राउंड सरफेस इन द अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल टू द डिप ऑफ द ग्राउंड सरफेस इन द सेम डायरेक्शन, तो ये शायद ए इसका सही आंसर है, ठीक है, ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, तो इसको देख लेना एक बार, है ना। फिर 25 में ये देखो, आपको यहाँ पे बोल रहा है कि
4-3-2-1 इस डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा, यंगेस्ट की तरफ जा रहे हो, है ना। और यहाँ पे कोर के अंदर तुमको यंग रॉक मिल रही है, तो कोर के अंदर जब फोल्डेड स्टार्टर जब होते हैं, कोर के अंदर यंग रॉक मिलती है, तो उसको अपन क्या होते हैं, सिन फॉर्म बोलते हैं, सिंक्लाइन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में तुमको एंटी फॉर्म दे रखा है भाई, दो में दे रखा है एंटी फॉर्म और एंटी फॉर्म, तो दो ऑप्शन तो हट गए, है ना। अब तुमको ये देखना है कि अप थ्रोन हुआ है कि डाउन थ्रोन हुआ, तो आपको फॉल्ट के डिप डायरेक्शन दे रखी है, डिप डायरेक्शन में आपका जो स्टार्टअप मूव हुआ है वो आपका अप थ्रोन होगा, तो कौन सा हुआ है, एक्स आपका डिप डायरेक्शन के अंदर अप थ्रोन मूव हुआ है, ये आपके दूर गए हैं, है ना, तो ये आपका एक्स जो है वो अप थ्रोन हुआ है, तो ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। फिर है द क्रिस्टल फॉर्म डॉम, डॉम मैंने बताया था आपके दो फेस होते हैं, अनपैरेलल होते हैं, नॉन पैरेलल होते हैं और एक मिरर प्लेन से जुड़े होते हैं, ओपन फॉर्म होती है और सी एक्सिस को ये एसेंशियली कट करते हैं, है ना। प्रिज्म और डॉम में मैंने डिफरेंस बताया हुआ भी है, तो टू नॉन पैरेलल फेसेस रिलेटेड टू ए मिरर प्लेन, तो इसका करेक्ट आंसर है भाई। सिंबल्स ये मैंने तुमको आईआईटी जेएम से जब पहले लाइव सेशन लिया था मैंने उसमें तुमको बताया भी था कि जोन एक्सिस का सिंबल क्या है, ग्रुप ऑफ प्लेन्स का सिंबल क्या है और सिंगल फेस का सिंबल क्या है। तो ग्रुप ऑफ प्लेन्स जब होते हैं तो वो फॉर्म बनाता है, तो मैंने तुमको बताया था कि ये जोन एक्सिस है, है ना, तो डायरेक्शन के लिए आएगा लाइन, डायरेक्शन एक लाइन होती है, ये फॉर्म के लिए आएगा और ये फेस के लिए आएगा। पूछ लिया दो नंबर का क्वेश्चन, बताओ लाइन फॉर्म एंड फेस, तो डी ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर। फिर है बाबा बुदान ग्रुप, बेंडर नाइजिक कॉम्प्लेक्स तो अरावली में आता है, कोलार ग्रुप जो है वो तुम्हारा किस में आता है यार, वेस्टर्न में आता है क्या, बोनेई जो है वो तुम्हारा सिंहभम में आता है, तो Q3R4 है क्या, Q3R4 ए के ऑप्शन में, ए में, ठीक है, तो ए ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर। इसमें अपने को पता है भाई कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म जो होता है, तो उसमें अपने पास में क्या आता है, सबसे पहले जियोलाइट, प्रेनेट पंपेलाइट, अल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल्स, उसके बाद में हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स, उसके बाद में पायरोक्सिन हॉर्नफेल्स, उसके बाद में सेनिडिनाइट, यही आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑर्डर पूछा है इंक्रीजिंग में, तो अल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल्स, हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स, पायरोक्सिन हॉर्नफेल्स और सेनिडिनाइट, तो ये ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। पहला वाला क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत है। दूसरा वाला क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेनिडिनाइट पहले आ गया पायरोक्सिन, तो ये इधर आता है और ये इधर आता है, ये इसलिए गलत है। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका हॉर्नब्लेंड जो है वो इधर जाता और ये इधर आता, तब ये सही होता, इसलिए ये गलत है, तो ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। निकल ओर्स, निकल ओर्स स्कान डिपॉजिट्स में नहीं मिलते भाई, ये तुमको बताया हुआ भी है, अल्ट्रामेफिक रॉक्स के अंदर मिलते हैं, लेटराइट्स के अंदर मिलते हैं, सीफ्लोर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, कॉपर निकल कोबाल्ट, तुमको बताया था ना, एक्सट्रीमली स्लो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन सी है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स 5 mm/million, याद है तुमको, वही है भाई, ये कॉपर निकल कोबाल्ट के लिए एक्सप्लोरेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जिसके अंदर MnO2 FeO2 ऐसे था बहुत सारा। हाँ, तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन है भाई, है ना, तो इसका आंसर डी है। तो आपका पूरा पेपर का जो आंसर है वो मैच कर लो आराम से, ठीक है। पहले ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, दूसरे का है ए, तीसरे का है डी, चौथे का है बी, पांचवें का ए, छठे का ए, सातवें का बी, आठवें का ए, नवे का सी, दसवें का डी, ग्यारहवें का हर्ज़बर्गाइट डी, बारह का डी, 14 का डी, 15 का ए, 16 का ए, 17 का ए, 18 का सी, 19 का सी, 20 का बी, 21 का बी, 22 का बी, 23 का बी, 24 का ए, 25 का ए, 26 का डी, 27 का डी, 28 का ए, 29 का डी और 30 का डी, ठीक है। तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ आईआईटी जेएम जियोलॉजी 2024 क्वेश्चन पेपर, और 21 फरवरी से कोर्सेज स्टार्ट होने हैं, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऑफलाइन के लिए क्लासेस 5 मार्च से स्टार्ट होंगी, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, आई होप कि तुम लोगों का हो जाए भाई सबका, और सब लोग अपने पसंदीदा आईआईटीज में जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो यार, और क्या है, और मैं तुमको कोई प्रवचन थोड़ी दूंगा अभी।